हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्वेरियम प्लैनेट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो फिश फूड मैं जो यूज कर रहा हूँ ये है ओकीको का मलावी। मलावी के लिए सारे अफ्रीकन सिकलेट्स के लिए ये मुझे अभी तक के सबसे बेहतरीन साबित हुआ है। पहले ये ऐसे डब्बे में आता था, आजकल ये लोग ऑन कस्टमर्स रिक्वेस्ट ऐसे पैकिंग में आ रहा है ओकीको मलावी चिकलेट्स। तो ये बहुत अच्छा फूड है, बहुत अच्छे कलर्स आ रहे हैं, अच्छी ग्रोथ के लिए मलावी चिकलेट्स के लिए। और चिकलेट्स के लिए मैं यूज करता था हिकारी चिकलेट। अब ये हिकारी चिकलेट जो है एक्सेल, ये बहुत अच्छा फूड है पर ये प्रेटी एक्सपेंसिव है, ये बहुत महंगा आता है। मुझे लगा कि इसका कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फूड व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ ऑफ द फिशेस। अगर आपको ओकीको मलावी चिकलेट अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके परचेस कर सकते हो, स्पेशली फॉर कलर्स। बहुत दिनों से मेरा प्लान था कि मैं फूड रेसिपी बनाऊं, इसमें वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूं, इसलिए एंड तक वीडियो जरूर देखना। वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना सो दैट आपको एक्वेरियम रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इंग्रेडिएंट्स मैंने मेरे हिसाब से लिया है, गार्लिक्स है, गार्लिक्स इस्तेमाल होता है, दिस इज वेरी गुड फॉर ह्यूमन सिस्टम, इसको बोलते हैं काकड़ी, कुकुम्बर, ये है ब्रोकोली, मटर, कैरेट, गाजर, पालक, श्रिम्प यानी कि छोटे झींगे जो होते हैं फॉर प्रोटीन, अनफ्लेवर्ड जेलेटिन पाउडर। उसके अलावा फिश फूड जो अवेलेबल रहेगा, जैसे मेरे पास ये है ना डिस्कस का फिश फूड था, ये इसमें हाई प्रोटीन है और इसके अंदर भी हाई प्रोटीन है। उसके अलावा ये सारे वेजिटेबल्स है, 70-75% वेजिटेबल्स, वेजीज होना चाहिए और 25% जो है वो अराउंड प्रोटीन होना चाहिए। ब्रोकली चॉप करने का बाकी था वो भी मैंने चॉप कर दिया और गार्लिक भी चॉप करने का बाकी था वो भी मैंने चॉप कर दिया। सबसे पहले हम डालेंगे श्रिम्प्स, डालेंगे मटर, डालेंगे गाजर पत्ते, लहसुन और कुकुम्बर। इसके अंदर मैं पानी वानी नहीं डालूंगा, ये रेडी है। अब इसको हम इसको ग्राइंड करेंगे, 1, 2, 3, सॉरी फॉर द नॉइज। अभी देखते रेडी हुआ है नहीं हुआ, देख रहे जैसा चाहिए था वैसा ऑलमोस्ट हो गया है, पूरा वेजीज का पेस्ट बन चुका है। ब्रोकोली को मिक्स करेंगे, अब ये फिश फूड को मिक्स करेंगे। अभी हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है जैसा हमको चाहिए था, ये पूरा रेडी हो चुका है। मैंने जो फिश फूड का पैलेट्स है वो भी मिक्स कर दिया, ब्रोकोली भी मिक्स कर दिया। अब बारी है जेलेटिन पाउडर को बनाने की, इस पर इंस्ट्रक्शन आपको इस्तेमाल करना है। पानी लूंगा, इसके अंदर डालूंगा और इस पर मिक्स करूंगा और हम उसको हीट करेंगे, इसको बॉइल करेंगे थोड़ी देर के लिए। दो घंटे के ऊपर हो चुका है फूड जो है वो रेडी हो चुका है, 1.5 से 2 घंटे रख सकते हो इतना का। तो चेक करते हैं फ्रिज में से निकाल के, ये हार्ड हो चुका है। जेलेटिन पाउडर डालने का रीजन ही ये रहता है कि ये खाना है वो क्लम्प हो जाए, बेसिकली पूरा खाना क्लम्प हो जाता है और ये इसके अंदर आप थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो चुका है, रेड कलर का हमने फूड डाले थे उसका भी कलर आ चुका है थोड़ा बहुत इसमें, तो ग्रीन का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज चुका है। कट करेंगे और हमारे फिशेस को खिला देंगे, तो वो फिलहाल इतना सा पीस ले लेते हैं, फिलहाल इतना सा पीस खिलाते हैं, इतना काफ़ी हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये देख रहे, मैं सम्प चालू रखने वाला हूँ, सम्प को भी नहीं बंद करूँगा और एज इट इज़ रखूँगा, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, एज इट इज़ डाल देंगे। अब टाइम है फिश का खाना खाने का। ये देखिए कैसे फिश खाना खा रही है,
अगर आप सम बंद कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि खाना एक तरफ खींचे जा रहा है। नहीं भी बंद करोगे तो भी वो लोग खा ढूंढ ढूंढ के खा तो लेंगे, और बहुत अच्छा लग रहा है कि वो लोग अभी थोड़े फिशेस थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो गए। ये देखो फ्रंटोसा ने ढूंढ लिया है, ये देखो फाइकुलर भी खा रही है, और बीच में जो क्लम्प जो है पानी की वजह से थोड़ा थोड़ा छोड़ देगा तो वो फिश टैंक में थोड़ा बहुत फैल जाएगा और फिशेस ढूंढ के खा लेंगी। और सम अगर चालू रहे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो पानी हल्का सा जो खराब होने का चांसेस रहता है वो भी फिल्टर होते रहेगा। मुझे लगता है ये खाना जो है वो तकरीबन अगर मैं दो दो भी दाल दूँ इन अ डे, महीना 2 महीना भी आराम से चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिशेस में ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ेगी। ग्रीन फूड है जो एक्चुअली अफ्रीकन सिकलेट्स को ज़रूरत रहती है। नाउ दिस गाइज विल बी मोर हैप्पियर। 200 रुपये में आप आराम से 1.5-2 महीने का आराम से फूड को स्टॉक कर सकते हो। इनफैक्ट मुझे लग रहा है 2 महीने से ज़्यादा भी चल सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे तो ख़राब नहीं होगा, फिशेस की ग्रोथ अच्छी पकड़ेगी, क्योंकि मैं यही प्रीफर करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज़ डू लाइक वीडियो, एक्वेरियम हॉबीज से ज़रूर शेयर करना सो दैट उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। अगर मेरे चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना सो दैट आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, गुड बाय बाय।